स्वच्छ कर समाज की आवाज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे जानी मानी हस्ती रामनाथ चंडालिया जी, जो न केवल राजनीति के क्षेत्र में बल्कि तमाम जो हमारी सामाजिक गतिविधियां होती हैं उन पर एक पैनी दृष्टि रखते हैं। रामनाथ चंडालिया जी न केवल एक राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनका पूरा लगभग जीवन का आधा हिस्सा राजनीति में बीता है। उसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, आपने कई किताबों का वर्णन भी किया है। आज हम आप हमारे स्वच्छकर समाज के चैनल के दर्शकों से रूबरू करवाना चाहेंगे रामनाथ चंडालिया जी को। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी आपको जानना चाहते हैं कि आपका एक पूरा जीवन राजनीति के करियर में रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपने जमीनी स्तर से ऊपर उठकर जहाज तक की यात्राओं का व्यक्तिगत रूप से भी सफर तय किया है। बहुत सारे पड़ाव आपने जिंदगी में देखे हैं और आप एक ऐसे समाज से भी आते हैं जो एक तरह से डिप्राइड सेक्शन में आता है, दलितों के अंदर भी जो नीचे के पायदान पे अंतिम पायदान पे आता है, अंतिम पायदान से उठकर कैसे मुख्य धारा के टॉप तक पहुंचना, चाहे वह राजीव गांधी के साथ समीपता हो या तमाम जो हमारे जो बड़े बड़े उस वक्त के जो आपके समकालीन रहे हैं, उस वक्त के नेता हो, उस वक्त के कार्यकर्ता हो, आपका जीवन उन सब के साथ बीता है। मैं अपने दर्शकों से ये गुजारिश करूंगी कि आज रामनाथ चंडालिया जी हमारे साथ रूबरू हैं। आप सर अपने थोड़ा सा हमें मेरे दर्शकों को बताएं कि आपका जीवन परिचय क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ की है। जी, बहुत लंबा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है पर बहुत बड़ा है ये। मैं आपको बता दूं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी, दादाजी सब फौज में रहे। मेरा जो भारतीय विद्या भवन आपने देखा होगा, उस समय पर ही अमीरों का स्कूल था, आजकल तो और बहुत सारे खुल गए हैं, और उसके पश्चात विद्या भवन महाविद्यालय, ये दोनों स्कूलों में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, कॉन्वेंट स्कूल है। जहाँ तक प्रश्न है कि जीवन में शिक्षा ग्रहण करने का, वो अनेक बहुत सारे देश विदेश के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से सीखा पढ़ा, या उसको हम छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिक्षा उतनी होनी चाहिए जितना आदमी समझ ले और उसे ज्ञान प्राप्त। आज मैं इससे कुछ नसीब हूँ कि मैं दुनिया को समझता हूँ, ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, धर्मांधता नहीं है मेरे अंदर, ये सब मेरी शिक्षा दीक्षा और मेरे परिवार का ही ले जाता है। जी सर, मैं थोड़ा सा आपके माँ बाप की तरफ भी थोड़ा सा एक छोटा सी 2-3 सेकंड में अगर बताना चाहेंगे, आप कन्वेंट जैसे स्कूल में पढ़े और उस जमाने में जब आपकी शिक्षा दीक्षा हुई तो हम लोग बहुत मतलब एक एक जो नीचे का जो ऐसा सेक्शन था जो ऐसे स्कूलों तक पहुंच। हाँ जी, आई थिंक आई एम मोर क्लोज टू यू नाउ। हेलो, सर हम जानना चाहते थे आपसे कि आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की और आपके जो समकालीन लोग थे वो कौन थे, कैसे आप राजनीति के क्षेत्र में आए। जी जी
प्लीज डॉक्टर कौशल दोबारा रिपीट करिए, सुनाई नहीं देता मुझे। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कैसे आप राजनीति में पॉलिटिक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप कैसे आए, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। आप शुरू से बिगिनिंग में जो पूछा था उसको गरीब मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। अब सर जो आपको अच्छा लगे आप जहाँ से शुरू करना चाहिए शुरू करिए, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए ना, आप दोबारा शुरू करिए। सर हम जानना चाह रहे थे कि आपका राजनीतिक क्षेत्र कैसा रहा, आपने कैसे सफर की शुरुआत की। देखो जीवन को मैं चार हिस्से में बांट देता हूँ, आपके लिए सुविधा होगी। जी मेरे लिए भी, तमाम सुनने वालों के लिए भी। जी मैं 80 साल का हूँ अभी। जी आई हैव कंप्लीटेड 80 इयर्स एंड रनिंग इन 80 सेकंड। 20 साल की उम्र में 20 साल के चार टुकड़े बना देते हैं हम। 20 साल की जो पहले 20 साल थे उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। उस समय पर मैं कुश्ती को ट्रेनिंग देता था, अखाड़ा था हमारा, बॉक्सिंग सिखाता था और पटियाला से ट्रेनिंग करके अधूरी छोड़ करके वापस आ गया था मैं कोच की ट्रेनिंग करके। तो एक तो ये रहा खेल मेरा, जो मैं कर सकता था वो नहीं कर पाया, हालांकि मैं बहुत बड़े उस्तादों में पहलवानों में गिना जाने लगा, पर मेरी जो अपनी तमन्ना थी कि मैं कोई मेडल ओलंपिक का लाऊं कहीं से ला, वो नहीं ला सका। तो ये बचपन मेरे बड़ा हॉटस्पॉट रहा। उसी समय पर पढ़ना, उसी समय पर समाज सेवा करना, उसी समय घर को देखना, तो ये 5-6 मेरी बहन थी उन सबकी जिम्मेदारी भी मेरे पर ही थी। बड़ा हॉटस्पॉट जीवन रहा, उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। मुझे काम भी बहुत करना पड़ा, हालांकि मैं गरीब बाप का बेटा नहीं था, गरीब परिवार का, अच्छे परिवार का बेटा था, पर बहुत काम करना पड़ा। तो उस समय पर किसी के पास साइकिल मोटरसाइकिल नहीं होती थी, वो भी हमारे पास थी। उसके बाद कार भी सबसे पहले हिंदुस्तान में मेरे पास, मैंने ही खरीदी, और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी मैंने ही खरीदी, और वो सब कुछ बिछड़ा रहा कि उस पीछे एक कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 साल की उम्र में एक सपना लिया था कि मैं सारी जाति के बंधनों को तोड़ दूंगा। मेरे पर बहुत प्रभाव था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उनकी जो कही बातें उनका बड़ा प्रभाव था। मैं बचपन में उनसे मिलता था, अपने पिताजी के साथ जाया करता था, मैंने उनको छुआ है, बात करी है, उनका आशीर्वाद लिया है। वो बोलते थे, पता नहीं मराठी में क्या, ए मुर्गा काहे छाना है, ऐसे कुछ बोलते थे, समथिंग लाइक दैट। तो एक बार उनको मैंने तालकोटरा गार्डन के पीछे, यहाँ पहले एक बस्ती थी, वहां मैंने बुलाया उनको 10 बजे। राजनीतिक जीवन की बात बता रहा हूँ मैं, 10 बजे मैंने उनको बुलाया तो ठीक 10 बजे आ गए। गाड़ी काली सी गाड़ी थी उनके लेकर के 10 बजे आ गए। तब तक हमारे टेंट भी नहीं लगे थे, कुर्सियां भी नहीं बिछी थी, कोई था भी नहीं वहां। हम वो बच्चे बच्चे ही थे, सारे जवान जवान टीनेजर थे, बस वो आए आकर के ठीक टाइम पर आ गए, ठीक 10 बजे पहुंच गए। हमने सोचा जैसे नेता और लोग आते हैं वैसे वो आएंगे, वो नहीं आए, बस एक कुर्सी थी इस पर बैठ गए, कुर्सी पर बैठ गए, 4 कुर्सियां और रखी थी वहां, कहते आप भी बैठो, हम तो नहीं बैठे। तो वैसे रहा, तो उन्होंने अपनी जो बात कहनी कही वो शिक्षा पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया, और कहकर के अपनी बात वो चले गए। तब तक लोग आए देखने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए हैं, तो उस समय पर मंत्री थे, तो वो लोग आए, जब तक वो आए तो उस समय नमस्कार करके चल दिए, मेरे आगे जाना है मुझे। इसी दौरान इससे पहले की घटना ये है कि मैं कैसे राजनीति में बता रहा हूँ, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए, हमारे स्कूल की टीचर थी पुष्पा गुप्ता, विद्याभवन स्कूल की बात कर रहा हूँ जिसमें हम पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे ईद बदन पर आइए, हमारे यहाँ ईद उल जुहा के टाइम पर आइए पंडित जी, कहा उन्होंने कहा मैं आऊँगा, बात खत्म हो गई। उस समय पर वहाँ हमारे पिताजी के अच्छे खासे दोस्त थे, वो उपाध्याय जी उनके पीए थे, तो उन्होंने उनको नोट कराया, वो भूल भाल गए होंगे,
वो ने कहा वो इंदिरा को दे दिया मैंने, इंदू को दे दिया है, वो करे वो नहीं। जब जिस दिन प्रोग्राम था स्कूल के सारे लोग और ईद मनाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए, जामिया मिल्लिया के बच्चे भी आ गए, हम भी थे, हमारा फेयरवेल था। इसे मतलब बिगिनिंग बता रहा हूँ कहाँ से, ये शुरू आते हैं हमारी बाबा साहब की बात। अब वो उस समय पर पंडित जी के गेट पर हम खड़े हैं, वहां तो प्रोग्राम तो कुछ था नहीं, तो स्कूल वालों ने कहा भाई ये तो कोई नहीं आए, पंडित जी का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। तो सब चुप अपने काम में लग गया, पर हम दो लड़के थे, उन्होंने हमने गाड़ी उठाई और तीन मूर्ति आ गए। तो डियर डेविल टाइप के लड़के थे हम लोग, पहलवान थे ना, कुश्ती करते थे। पंडित जी ने गेट पर खड़े हुए देखा तो हमें बुला लिया अंदर कि भाई कौन दो बच्चे हैं खड़े हुए ये जो झगड़ा कर रहे हैं पुलिस वालों से। वो अपना जूते उतार रहे थे तब हम अंदर पहुंचे तो कहले हाँ बताओ। मैंने कहा जी आप प्रधानमंत्री देश के, अगर आप झूठ बोलेंगे बच्चों से तो देश कैसे चलेगा, चांस की बातें न जाने मैंने कैसे कह दिया। तो मैंने कौन सा बोला, मैं जी आपने कहा था कि हम आएंगे और हमारे वहाँ जामिया मिल्लिया के बच्चे भी आए हैं, हम लोग भी हैं, कहते चलो ठीक है। मुझे याद आया आप लोग आए थे, हमको गाड़ी में बैठाया और वो हमारे स्कूल आ गए, मेरे साथ स्कूल आ गए। सो मैं बता रहा हूँ, जब वो स्कूल आए तो लोग जैसे प्रोग्राम चल रहे थे चले, वो आए उन्होंने वृक्षारोपण किया, फिर वो हंगामा हो गया, पूरा प्रोग्राम चल पड़ा जैसे चला। मैंने वहीं तक छोड़ दिया, फोटो वगैरह हुए मेरी सिस्टर के मेरे सबके। तो अगले दिन एक घंटा हमारे साथ रहे वो। इसमें बताने की बात यह है कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसका प्रधानमंत्री को दो बच्चे उठाकर ले जाएं और एक मेरे साथी था वो थोड़ा छोटा ही काम से, दो बच्चे ले जाएं उनके साथ चले जाएं और उनका कोई अता पता ना हो। यानी कि बड़ी विस्मितकारी बात है, ये अचंभे की बात है। एक घंटा देश जी मैं समझा नहीं, आप दबंग नेता रहे हैं शुरुआत से ही। अरे वो तो आप जैसे भी कहें, वो तो नेता वेता तो नहीं रहे, पर ये बड़ी दुर्घटना थी। सारे अखबार में आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का पता ही नहीं था, तो अचानक उनपे फिर भी घटा करके टाइम को प्रेस वालों को बुलाया कि भाई बच्चों ने मुझे बुलाया था, नोट नहीं हुआ, मैं नहीं जा सका। इन्होंने कहा मुझे रामनाथ ने मुझे कहा, मुझे याद है कि आया था और बच्चों के साथ में उनके प्रिंसिपल भी आई थी, वो चला गया, कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ी बात नहीं होगी। तो उस बात को दबा दिया गया, पर फिर भी लिखा कि 45 मिनट तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं पता था वो कहाँ है। ये ऐसी घटना थी जिसके बाद प्रेस ने और लोगों ने, उस समय मीडिया वैसे ही थी, लोगों ने बहुत पूछा मुझसे आप कैसे लाए, कैसे जानते हैं। फिर मुझे जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न कैसे आए, उसके वहीं पर जवाब देने पड़े। हमने बताया कि हमारे जो पंडित जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उपाध्याय जी, वो हमारे पिताजी के दोस्त हैं और जो हमारे गांधी जी के जो सेक्रेटरी हैं प्यारेलाल जी, वो भी हमारे पिताजी के दोस्त हैं, हमारे पिताजी पार्लियामेंट में काम करते हैं, वो जानते हैं कि उनका लड़का है गुप्तेश्वर का बेटा है, तो मेरे साथ ही चले आए कि भाई परिचित है अपरिचित नहीं है, चले आए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर वो बड़ी घटना ऐसी थी कि वो जीवन में सभी लोग कहने लगे कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, ये करो वो करो। नहीं नहीं मेरे को राजनीति माने का कोई विचार नहीं है, मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी था शुरू में, और इतना प्रबल कम्युनिस्ट विचारधारा का था कि ये बाबा साहब की कृपा कहें कि मैं चाहता था जो इक्वलिटी शब्द है ना आपके संविधान में लिखा हुआ, ये कोई ये शब्द को आप नया मत समझिए। इक्वलिटी इज द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी इज द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी प्ले वाइटल रोल इन अवर लाइफ। तो इससे इक्वलिटी शब्द ने मुझे बहुत प्रभावित किया, मैंने उसके बारे में लिखा भी बहुत, आपके किताब दूंगा डॉक्टर साहब। सर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इस वजह से मैं उसको लेकर के डॉक्टर रमेश चंद्रा थे वर्ल्ड पीस काउंसिल के कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने मुझे रशिया ले गए। उसके बाद मेरा और प्रभाव बढ़ गया कि मैं इतनी कम उम्र में रशिया चला गया, वर्ल्ड पीस काउंसिल जैसी संस्था का नई दिल्ली का मैं प्रेसिडेंट बन गया, एक पॉपुलर आदमी बन गया। पहलवानी, कुश्ती, बॉक्सिंग, पंडित जी का ले जाना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का सर पे हाथ रखना आना उनका, ये सब बिल्कुल मिला करके मैं
परिचित नहीं बल्कि बहुत ज्यादा परिचित बच्चा बन गया था। ये मेरा राजनीति में आने का प्रारंभिक दौर है। आपका प्रश्न बन गया जी। मैं बस एक आपसे सवाल और जानना चाहूंगी कि बाबा अंबेडकर के साथ कुछ ऐसा प्रसंग जो आपको, आपने ये बता दिया मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, बाबा साहब अंबेडकर के साथ कोई और ऐसा कोई संवाद हो जो आप, क्योंकि आप बाबा साहब अंबेडकर उसके रूबरू मिले हैं, दो तीन मिनट में आप थोड़ा सा बताएं तो ज्यादा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं बाबा साहब के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, पर यहाँ समय कम होता है, आपके पास भी कम है, तो मेरे पास तो बहुत समय है, आजकल बैठा हूँ मैं तो लॉकडाउन है हिंदुस्तान में। बाबा साहब जी संविधान बनाकर भी कोई बहुत खुश नहीं थे। बड़ी बड़ी ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आप, जिसको जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। पार्लियामेंट में 3-4 दिन तक बहस चली और हम लोग तो वहां रहते ही सामने थे, मैंने बताया कि जलेबी चौक में हम पैदा हुए, वहीं बड़े हुए तो जाते थे, जोरबाग में पैदा हुए चले आते थे, कोई बात नहीं थी। और बाबा साहब उसको चुपचाप सुनते रहे। ज्यादातर अटैक लोग कर रहे थे संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जी। तो बहुत लोग कहते रहे उस समय पर। आपको नई चीज बताऊं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, संविधान सभा में हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, स्वच्छता समाज के भी दो व्यक्ति थे, भगवान जी और राम जी वगैरह, दो तीन आदमी ये भी थे, परंतु ये लोग भी कुछ बोल नहीं पाए, कर नहीं पाए, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। वहां पर जो अमीर लोग ज्यादा थे संविधान सभा में, उनकी इजाजत थी। और बाबा साहब के साथ जो सबसे ज्यादा काम किया था, उसे कोई जानता नहीं, नाम भी नहीं लेता उनका, कहता बाबा साहब की बात पूछने बताऊं, उनका कोई नाम भी नहीं लेता। वो है एक तो मुखर्जी नाम के व्यक्ति थे और दूसरे थे राव। ये दो व्यक्ति बाबा साहब के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थे जब संविधान लिखा गया। और ये इतने निपुण और अच्छे लोग थे, एक तो सचिव थे लॉ मिनिस्ट्री के अंदर में, दूसरे कुछ और थे विद्वान थे। ये लोग पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते थे, जवाब तो बाबा साहब को देना था। अंत में मैं संक्षिप्त कर रहा हूं बात को, जब बाबा साहब का समय आया जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात, आप मेरी बात सुन रहे हैं जी, बिल्कुल जी, सुन रहे हैं, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है जी जी जी, आवाज आ रही है। तो मैं एक घटना की बात पूछी ना, वैसी घटना बताई क्या है। इतने जीवन, इतने ताकतवर दिमाग से, दिल से और इरादों से पक्के इंसान थे बाबा साहब। तो उन्होंने कहा सो व्हाट, एवरीबॉडी से यू हैव कॉपीड The constitutions of various countries. So what? Yes, we are not shy of it. हमें इसकी कोई शर्म की बात नहीं है। हमें जो अच्छा लगा दूसरे संविधान से लिया है, तो बुरी बात क्या है? नेहरू जी उनके सपोर्ट में लगातार बोलते थे, इसमें हम इसमें क्या है? वो आप डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों ये बात कह रहे हैं? तो खैर सभा में उसको निकाल दिया गया बहस को, पर वो एक बात तो सामने आ ही गई कि लोग क्या कह रहे हैं। So what? जी, हमने लिया है, हाँ कॉपी किया है, तो क्या जी, इतनी भारी सर, की बात है। जी, सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने बाबा साहब का अपीयरेंस को देखा है, तो दिखने में बाबा साहब कैसे थे बचपन में, वो कैसे दिखते थे, और जब पार्लियामेंट तक पहुंचे तो कैसे दिखते थे? आपने तो रूबरू देखा है उनको, थोड़ा सा ये बता दीजिए कैसे दिखते थे। बाबा साहब जी अपनी कलम नहीं उठाते थे, प्रॉब्लम हम देखते थे उनको लिखा हुआ, कई बार जाते थे राजपुर रोड पर, उनकी पत्नी जो है वो हमारा थोड़ा ज्यादा ही बेचारी ख्याल करती थी, मेहरबानी उनकी, कृपा रही हमारे ऊपर। तो लिखते थे तो वो जो बीच में एक वर्ड से दूसरे वर्ड में गैप देते हैं ना हम लोग, वो गैप नहीं देते थे, बल्कि उसको कहीं से घुमा करके उसको पेन नहीं उठाते थे, आगे ले जाते थे उनको। तो मेरी जो हैंडराइटिंग है
अब तो बिगड़ गई, बहुत उनका प्रभाव पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा। वो लिखते थे, बहुत लिखते थे, और कलम नहीं उठती थी उनकी, बहुत कम कलम उठाते थे वो। स्टॉप कहीं आया, कॉम आया, ये फुलस्टॉप कॉमा भी बाद में ही लगाते थे वो, मैंने देखा उनको लिखते हुए। तो मैं आपको पार्लियामेंट की बात बता रहा हूँ, वो बात बता रहा मैं सर आपको बीच में, तो सर मैं बीच में टोकना चाह रही थी कि दिखने में कैसे थे, अपीरियंस उनका, फिजिकल अपीरियंस कैसा था, ये मैं थोड़ा सा आपकी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ सर। जा रहा है वो ऐसे कैसे, हाइट कैसी थी, ये थोड़ा सा बताइए सर। जैसा आजकल फोटो दिखाया जा रहा है उस प्रकार के नहीं देखा मैं उनको कहीं, मतलब वो फोटो कहीं का होगा नहीं मालूम कहाँ का है। अभी देखिए ये फोटो बाबा साहब का है जी, बाबा साहब ऐसे थे, हमने देखा जी, हमने ऐसा देखा उनको जी, देख रहे हैं आप जी जी बिल्कुल दिखाई नहीं देखा हमने उनको, हमारे दुर्भाग्य हमने रूप नहीं देखा उनका। तो बाबा साहब बहुत धीर गंभीर व्यक्ति थे और दुनिया उनके कलम को मानती थी जी। सर आपने एक दिन अनौपचारिक बातचीत में हमें ये बताया था कि संविधान की कॉपी जो हैंड रिटन कॉपी है, जो बाबा साहब अंबेडकर के हाथों से लिखी हुई है, उनकी एक कॉपी आपके पास भी है। ये मैं आपसे माफी मांगते हुए बताती हूँ, क्योंकि आपने मुझे बताया अगर आप उस कॉपी के दर्शन हमें करवाएं। आप ऐसे प्रश्न करिए जो कंट्रोवर्सी ना बने। नहीं नहीं मैं सिर्फ दर्शन करना चाहती हूँ, वो जो कॉपी थी हाथ से लिखी हुई, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो एक बार आप हमें कम से कम दिखा दीजिए। संजीव कैन यू गेट मी द कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी ऑफ, ये है वो कॉपी संविधान की, बहुत कम है। और अंदर से दिखाता हूं मैं आपको सर, थोड़ी सी सामने कीजिए सर कैमरे के, थोड़ा सा कैमरे के सामने सर जी, दिख रहा है जी बिल्कुल, हाँ जी अब दिखाई दे रहा है सर। हैंड रिटन है ये जी सर, रुको रुको कहीं बीच में स्पोर्ट दिखा देते हैं जी, और दिखाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, हमारे तमाम दर्शक भी इसको देखेंगे। आपने संविधान की कॉपी आपके पास है और ओरिजिनल है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है आज की सर जी। कितनी खूबसूरत लिखा है, देखिए बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर सुना रहा तो ये बहुत कम कॉपीज बनी थी, 100 कॉपी बनी थी जी। बाद में दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी जो सरकार है जी, जबकि उसको धरोहर को संभाल के रखना चाहिए था, उन मशीनों को संभाल के रखना चाहिए था, उन मशीनों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, शायद कर दिया है, करने जा रहे हैं, जबकि वो राष्ट्रीय धरोहर थी। इस बात पर कोई किसी ने कुछ कहा, किसी रूलिंग पार्टी ने, विरोधी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, दुख की बात है। मैं एक चीज और जानना चाह रही हूँ सर, ये जो ओरिजिनल कॉपी आपने दिखाई, क्या जैसे बार बार चर्चा की जाती है कि ओरिजिनल कॉपी में बकायदा राम की तस्वीर है, देवी देवताओं की है, तो आपके हाथ में है, क्या कोई ऐसा पेज है जिसमें ऐसे कुछ तस्वीर दिखाई गई हो? नहीं कहीं नहीं पर, कोई ऐसा नहीं। मैं आपको वो पेज भी दिखाता हूँ जहाँ लोगों ने अपने हाथ से दस्तखत किए हैं जी जी बिल्कुल दिखाइए जी। हाँ वो पेज भी दिखाता हूँ। ऐसे क्या कहा आपने, राम की तस्वीर है कुछ, किसी की तस्वीर, देवी देवताओं की, ऐसा कुछ तस्वीर है, किसी ने बताया पिछले दिनों इसके ऊपर हंगामा हुआ? नहीं नहीं गलत बात, ये सेकुलर है हमारा देश, यहाँ कैसे हो सकता है ये? देखिए सिग्नेचर देखिए सब, क्या सिग्नेटरीज और बाबा साहब जी, देखो लास्ट का ये उनके हाथ सबके दस्तखत है, हस्ताक्षर है उनके जी जी जी। सर इसमें बाबा साहब अंबेडकर के साइन कहाँ है वो भी दिखा दीजिए। मैं दिखा रहा हूँ,
बाबा साहब डॉक्टर के ये दस्तखत की भी एक ये देखिए आप सर एक बार इशारा कर दीजिए उंगली से कि ये बाबा साहब अंबेडकर के साइन है। मैं बता दू जस्ट वेट है मेरे वो यू था के बाबा साहब जब साइन करे जा रहे थे जी तो देख लोगों ने दस्तखत कर दिए जी भाई गवाह इस बात के और बाबा साहब के लिए जगह नहीं छोड़ी उस पर। मुझे याद अच्छी तरह से नेहरू जी ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप यहां साइन करिए। ये देखिए यहाँ बाबा साहब के साइन नहीं है यहाँ पर ध्यान से देखिए चाहे तो आप उसको कभी दिख रहे हैं क्या मुझे तो नहीं दिखे शुरुआत में जी जी दिख रहे हैं जी जी दिखाई दे रहे हैं इस पर नहीं है फ्रंट पेज पे नहीं है पहले अच्छा दिखाई दे रहे हैं साइन किए हुए हैं जी 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 अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत गुस्से में गुस्सा जैसे करते वो किया उन्होंने कि तो एक फाइनल पेज होता है जिस पर साइन करने होते हैं तो बाबा साहब ने कहा कि आप यहाँ साइन करिए जी तो सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा आप यहाँ साइन करिए और वो जगह वो थी जो ऊपर जगह थी मुझे याद अच्छी तरह से वो जगह किसी को नहीं पता है बात क्या मत ये देखिए जी दिखा हाँ जी जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी नेहरू जी इस बात पर थोड़े से गुस्सा हुए क्या मतलब उन्होंने कहा कि नहीं आपको ऊपर सबसे ऊपर साइन करना चाहिए ऊपर है सबसे ऊपर उनका नाम देखो जैसे सबसे ऊपर नाम नहीं इसी में हाँ तो मैं दिखा दूंगा आपको पेज बाबा साहब ने सबके ऊपर साइन कराए थे उनसे जी जी बीच में नहीं उन्होंने कहा नहीं आप सबसे ऊपर साइन जी हालांकि जगह नहीं थी उन्होंने कहा नहीं नहीं आप यहाँ साइन करिए सबसे ऊपर तो किसी देवी देवता का कोई किसी का फोटो नहीं गलत से मैंने आपको दिखाया आप कहो तो मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ नहीं नहीं सर किसी दिन और भी लंबी बातचीत करेंगे मैं अंतिम सवाल के रूप में आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपने दिल्ली में कई बार चुनाव लड़ा आप एमएलए रहे और मोस्ट वीआईपी एरिया में आप रहे लेकिन साथ ही साथ आप लिखते भी रहे आप एक साहित्यकार हैं तो थोड़ा सा अपनी राइटिंग के बारे में बता दीजिए जी किस बारे में इस बारे में पूछ रहे राइटिंग राइटिंग आपने क्या किताब आपकी कौन कौन सी रही इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर आपने क्या क्या लिखा कौन कौन सी बुक विषय अच्छा मेरे
मेरे मेरे लेखने के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी जी, किताब कौन कौन सी आपने किताबें लिखी? मैं आपकी तरह विद्वान तो नहीं हूँ ना सर। सर ऐसा कुछ नहीं, आपको सर्वे शर्मा है हर क्षेत्र में। बहुत आदमी हूँ, परंतु मेरा जो शौक है मैं बताऊँ आपको, जैसे मैंने आपको अभी तक अमेरिकी बातें बताई, कुछ नई बातें, ये नहीं कि बाबा साहब ने ये कहा वो कहा, मैं उन बातों से जानते हैं सब, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं और लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं बाबा साहब के बारे में, सभी लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे शायद। वो तो सागर थे, उनका तो था गहराइयों का कोई कह ही नहीं सकते, मैं तो मामूली बात हूँ। पर मैंने आपको वो बातें बताई जो लोगों को नहीं पता है। एक और आपको ऐसी बातें नहीं बता दूं मैं आपको, कि जैसे कि मैं पूरे समाज के बंधनों को तोड़ना चाहता था, कि मैं सबसे पहला इनकम टैक्स पे ही बना, सबसे पहले 2,500 आदमियों को रोजगार मारुति में दिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई उसमें कई हजार लोगों को रोजगार दिया, फिर मैं जब नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली महानगर परिषद मेयर सदन में दिल्ली की जो असेंबली है उसमें आया, तो वहाँ बाबा साहब की बात बता रहा हूँ आपको, बाबा साहब जिंदा थे, हमारे बीच में थे, उन्होंने एक यूनियन का निर्माण किया जिसका हमारा भांजा भी बाबूलाल भोरंडे, आपने देखा हो जानते हो तो, जिसको वो चला, उसके उन्होंने ही बनाई थी कि इनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के, सिविक बॉडीज की प्रॉब्लम को लेकर के आप एक यूनियन बनाइए, उसमें संगठित होकर के डिमांड दीजिए, उसमें हम। यहाँ पर ये था कि राजधानी में जहाँ संविधान बना, जहाँ हमारी इक्वलिटी की सोच को लेकर के, बराबरी को लेकर के, देर विल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी, प्रीएम्बल में हमारे में लिखा है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी, दैट वॉज मिसिंग इन न्यू दिल्ली। 10% औरतों को रखा जाता था केवल अपॉइंटमेंट पर और 90% मेल होते थे। मैंने 1983 में ये बात राजीव गांधी को बताई तो उनका यू मस्ट रेज दिस क्वेश्चन, मैं कह सरकार के खिलाफ जाएगी, कहता आप बोलिए, और उसको मैंने विरोध किया और यहाँ बराबरी का अधिकार औरतों को दिलवाया नई दिल्ली नगर पालिका में, ये इतिहास। फिर सारे देश भर में ही ये होने लगा इस प्रकार का कि 10% नहीं होंगी, बराबर होंगी। मैंने कहा संविधान उठाया, रिकॉर्ड में है वो, कि क्यों 10% महिलाओं को हो, बराबरी का अधिकार जब संविधान ने दिया तो बराबर इनकी नौकरी होनी चाहिए। मेरी बात समझे दिया? जी जी। इसी प्रकार से आप होते ये हटके किया काम, जिस प्रकार से मैं आप अपनी किताब के बारे में आप पूछ रहे थे, तो मेरा एक ये था कुछ हटके किया जाए। किताब जो आप किताब आपने लिखी है उसके बारे में थोड़ा सा पांच मिनट। ये एक किताब है जो बहुत पुरानी हो गई अब तो, ये जी दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा सर, दलित साहित्य भारतीय साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जी। आपकी दूसरी किताब भी है, बताता हूँ एक मिनट देख लीजिए पहले इसको जी। भारतीय साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आप लेखक कौन है इसका? ये किताबें हैं जिनको मैंने लिखा है जी जी जी। आपके आपकी एक इंग्लिश भी किताब है, ये आपने पढ़ा नहीं शायद, पृथ्वी आवर्तन परिवर्तन, एक नया शब्द है जी वो सर, असल में फोकस जूम करने से ही होगा दिखाई नहीं दे रहा। आपकी एक इंग्लिश में भी किताब है सर, एनवायरनमेंट पर है जी। एक और किताब है सर आपकी, आपने जिक्र किया था इंग्लिश में, जो अभी आप थोड़ी देर पहले बाबा साहब अम्बेडकर फोटो जिसमें लगा हुआ, इन सर्च ऑफ गॉड द क्रिएटर, अच्छा लगेगा ऐसे करके दिखाइए सर। अभी मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ नहीं है, वो अलमारी में है ऑफिस में है, और मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगा, इन सर्च ऑफ कंप्लीट भी नहीं है वो जी। अभी जो आप दिखा रहे थे सर जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर
वो एक बार दिखा दीजिए, आपकी ही है वो, नीचे लिखा हुआ था रामनाथ चंडालिया। क्या कह रहे ये किताब? जी हाँ जी बिल्कुल ठीक जी। अंतिम सवाल के रूप में सर, ये हरि प्रत्येक भाषा का जो भाषा का इतिहास है, साहित्य है, उसके विषय में लिखाइए। 22 भाषाएं हैं जिसके आप जानते हैं जी जी, गुजराती है और दूसरे दिन सभी भाषाओं का जो इतिहास है वो मैंने संक्षिप्त वर्णन से किया है जी। सर अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी सर, अंतिम सवाल के रूप में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप तमाम जो हमारा युवा वर्ग है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ये मेरा आपसे सवाल है। डॉक्टर साहब मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, आप हमारे समाज के हीरो हैं ना सर, आप हमारे लिए बड़े, आप अपने आप माने या ना माने लेकिन समाज तो आपके पूरे जीवन को आकलन कर रहा है ना सर, देख रहा है आपको जी। मैं उन लोगों के बहुत खिलाफ हूँ जो कहते हैं कि बाबा साहब ने ये कहा था, गांधी जी ने वो कहा था, नेहरू ने ये कहा था, ज्योति बाघूले ने ये कहा था, मैं उनके बड़ा खिलाफ हूं। ये भी नई बात बता रहा हूं आप पहले वो काम करिए जो उन्होंने कहा, पहले वो करिए तब कहिए कि उन्होंने कहा था। बाबा साहब ने 30 के दशक में, आपने सुना होगा, एक किताब लिखी थी जाति तोड़क मंडल, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जाति तोड़क मंडल, याद है आपको जी सर? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज के युवा का, आज के युवा का क्या संदेश? आगे और बाकी रखता सर, उन्होंने 5 मिनट जाति तोड़क मंडल और मैंने सारी जातियां तोड़ दी जी। उन्होंने कहा घर छोड़ो, गांव छोड़ो, शहर में आओ, मैंने हमने वो पूरा किया। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, हम शिक्षित बने पूरा परिवार। उन्होंने कहा कि पूरा अच्छा शिक्षित है, अच्छा कहा था हमारे। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि संगठित हो, हमने इतने संस्थाएं यूनियन बना करके अब से 50 वर्ष पहले शुरू की, बार्मिक समाज विकास परिषद, भारत सरकार ने जिसको मान्यता दी, नवयुक्त विकास परिषद इलाहाबाद में 1940 में जो बनी संस्था, कभी वाल्मीकि नवयुक्त संघ, वो तो वो काम भी पूरे किए, संगठित बनो, संगठित किया। तीन बातें हो गई। उन्होंने कहा जाति तोड़ो, मेरे घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग, एक तो है ब्राह्मण है, एक बहू मेरी मुस्लिम है, एक बहू मेरी वाल्मीकि है, इस तरह से ये तीनों हो गए। इसी प्रकार हमारी बेटियां हैं वो अन्य जाट ब्राह्मण ईसाई इन सब में हैं। मेरे 8 बच्चे हैं, 8 के 8 मिश्रित हैं, पूरा समाजवाद हमारे घर में, मुझे अधिकार है जय भीम बोलने का, आपको भी बोलता हूँ जय भीम। जय भीम सर, क्योंकि मैंने वो सब काम किए जो बाबा साहब ने कहे। घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कहते हैं बाबा साहब ने ये कहा था, हाँ भाई कहा था, हमें बता तू क्या बोल रहा। हर आदमी बोलता है बाबा साहब ने ये कहा था, गांधी जी ने ये कहा था, कोट करते हैं ना जो लोग, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। पहले खुद करिए ना, हमारे बीच में डॉक्टर कौशल पवार है, करके दिखाया ना कैसे भी होता है, आपने करके दिखाया कैसे भी होता है जी। संघर्ष करके कुछ भी किया जा सकता है, भाषण नहीं, काम करो जी। जैसा कि मैंने अभी बताया था, भारत का पहला सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे ही एक दलित समाज का, स्वच्छकार समाज जिसको कहते हैं, उसका आदमी बना जी। कम बात तो सर, समय सीमा को देखते हुए 40 वर्ष पहले इंपोर्टेड गाड़ियां, अच्छा खाना, रहना सहना और शादियां भी 5 स्टार में, ऐसे नहीं कोई किसी से रिश्वत लेकर, खुदी के तरह काम आज दिया। मैंने संदेश दिया कि आप परिश्रम करिए और परिश्रम कमाओ, पैसे को अच्छे मार्ग पर लगाइए, अपने घर में लगाओ, चाहे समाज सेवा में लगाओ। हाँ कुछ कह रहे थे जी, बहुत बहुत आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप
आपके बहुत सारे छुए पहलू आपने अपने बातचीत में, बहुत सारे अनछुए पहलू और हैं अभी बाकी। मैं चाहूंगी कि एक दिन और आप हमारे लिए समय निकालें और अपने जीवन के और खट्टे मीठे अनुभव, जो प्रेम प्रसंग रहे, प्रेम इंदर से किसी भी व्यक्ति से भी हो सकता है, समाज से भी हो सकता है, प्रेम का मतलब सिर्फ दूसरा प्रेम नहीं, मतलब तमाम और बिंदुओं पे हम एक दिन और चर्चा करेंगे। आप हमें कीमती समय देंगे। स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से, यूट्यूब चैनल की तरफ से आप बहुत 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 धन्यवाद सर। आप हमारे साथ बने रहेंगे, अगले कड़ी में हम फिर आपसे चर्चा करेंगे सर। जय भीम देना चाहूंगा जी। जी बताइए, क्या कुछ सोचता है स्वच्छकार समाज कि हम हीरे जवाहरात के गढ़ने वाले बनाने वाले बन सकते हैं? नहीं सोचते हूं ना आपके सामने, ये काम बहुत उच्च शिखर तक ले गया। कोई स्वच्छकार ये क्यों नहीं सोचता कि हम जमींदार बन सकते हैं? मैं आज भी बड़े जमींदारों में 100 बीघे से ऊपर का बेचने के बाद भी इतना बड़ा जमींदार हूँ। क्या कोई स्वच्छकार ये क्यों नहीं सोचता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं? हम कोई भी काम कर सकते हैं। हमने वो सब काम किया, 10 तरह के बिजनेस किए, 10 तरह के काम किए, 10 तरह की हमने तो अपने जीवन को दिया, केवल इसलिए कि हमें लोग स्वच्छकार ही ना कहें, हमें व्यापारी भी कहें, बहुत बढ़िया हमें भी कहें, हमें शिक्षित और बहुत खूब इज्जत भी दें जी। बहुत खूब सर, चर्चा को हम एक दिन और आपसे समय लेकर बातचीत करेंगे सर, और आप समय देंगे मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर आपको मैं जय भीम बोलती हूँ, बहुत बहुत आभारी व्यक्त करती हूँ सर। सबको बधाई और आपके समाज को बधाई, आपके चैनल को बधाई, आपकी संस्था को बधाई, आपने बहुत उत्तम काम किया है, मेरी प्रशंसा किया है, मैं आपको बहुत 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 बधाई देता हूँ। आपका आशीर्वाद बना रहे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। Thank you.